वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 3rd of Feb 2023 और मैं हूँ अभी दुबई में, दैट इज इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वाले व्लॉग में आप जर्नी देखने वाले हो मेरी शारजहा से दोहा, दैट इज इन कतर, इन कतर एयरवेज A320। और मुझे कमेंट्स भी आए पिछले वाले वीडियो में कि भाई एक बार ट्रैवल करो कतर एयरवेज में, वर्ल्ड की 5-स्टार एयरलाइन है। मैंने इसका कमेंट पढ़ा भाई का, मैंने सोचा कि यार भाई को कैसे बताऊं कि मैं तो भाई कतर एयरवेज में ट्रैवल कर रहा हूं। और अगले वाले व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं दोहा से बेंगलुरु इन कतर एयरवेज बोइंग 777। दैट विल बी सम 7-स्टार लग्जूरियस एक्सपीरियंस इन दी एयर। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो ना भाइयों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज गाइज। एंड आई होप इस वाले वीडियो में हम 10-15 हज़ार लाइक कर पाए। ऐसे ही आप लोग मुझे पुश करोगे, ऐसे ही मोटिवेट करोगे ना, तो मैं कंटेंट बनाने के लिए एफर्ट्स दे पाऊंगा। एम रखते हैं 10-15 हज़ार का, मुझे पता है कि शायद नहीं हो पाएंगे। तो ये था मेरा रूम, ये मैं आपको रूम टूर दिखा दिया था, लेकिन रूम की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स ली हैं एक्चुअली, देखो भर भर के। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने स्टोरी वगैरह देख ली होगी प्रॉपर। 8:30 बजे भी 10:30 को निकलेंगे हम यहाँ से। तो मैंने ये शूज़ लिए थे दुबई मॉल से, मुझे बहुत पसंद आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया। दी शूज़ कह सकते हो कि मेरी लाइफ के सबसे महंगे जूते हैं। तो अच्छा सा वर्कआउट करते हैं। मैंने एक चीज़ देख ली है कि जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, इतनी पॉजिटिविटी आती है अंदर से कि भाई साहब ज़िंदगी में खुश रहना है तो फिट रहना है, मतलब प्रॉपर अपने आपको अच्छा न्यूट्रिशन देना है, अच्छा खाना देना है। जितना मैं अच्छा खाना खाऊंगा उतने पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। फिजिकल हेल्थ से ही मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है, मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ डिपेंड करती है। दोनों को अगर सही करना है ना तो वर्कआउट और अच्छा खाना खाना, न्यूट्रिशन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मार रहे हैं चेस्ट, तो अभी मैंने इंक्लाइन पे रखा हुआ है, और चेस्ट के बाद मारेंगे थोड़ी ट्राइसेप्स, थोड़ा बहुत कार्डियो करेंगे, फिर बैक टू रूम, फिर आधे घंटे वर्कआउट खत्म करना है। डन विद द वर्कआउट, अब जा रहे हैं ऊपर, फटाफट लेते हैं भाई प्रोटीन वोटीन लेते हैं। चलो तो अभी वर्कआउट करके आया मैं। पिछले 30-40 दिन में मेरा एक ही फोकस है, मैं ट्रैवल के साथ अपनी हेल्थ मेंटेन कर पाऊँ, अपने आप को फिट रख पाऊँ। क्योंकि मेरे को एक चीज़ मन में आ गई गाइस, फिजिकल हेल्थ से ही मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ से ही फिजिकल हेल्थ। एंड आप लोग जितनी मेरी वीडियोज देख रहे हो, ठीक है, तो आप भी चीज़ जानते होगे कि अपना स्वास्थ्य मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी हेल्थ के लिए, अपने काम के लिए। तो अगर आप फिजिकल हेल्दी नहीं रहोगे तो आप अपने काम पे कैसे फोकस कर सकते हो। मतलब मेरा ये है कि हाँ अब मैं थोड़ा रेगुलर हूँ वर्कआउट को, तो बस अभी आया, तो अब जो है अभी टाइम है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन दूँ मैं अपनी बॉडी को। भाई साहब मैं ट्राई कर रहा हूँ 100% परफॉर्मेंस वे प्रोटीन बिग मसल्स का, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। देखो मैं आधा ख़त्म भी कर चुका हूँ, तो अभी बस जिम से आके फटाफट मैं यही लूँगा। तो ये जो है मेरा फेवरेट फ्लेवर है, चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर। अगर आप चाहे जितना भी वर्कआउट कर लो, अगर आप अपनी मसल्स को रिकवर नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट किसी काम का नहीं है। तो बेस्ट पार्ट अबाउट बिग मसल न्यूट्रिशन की ये जो प्रोटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा मेन चीज़ मैं क्यों लेता हूँ, 24 ग्राम प्रोटीन है पूरे शेक में, अराउंड 6.7 ग्राम BCAA है, इट्स ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो मसल रिकवरी में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है ये बेसिकली। इसमें एडेड अमीनो एसिड्स हैं, मतलब जिसकी बदौलत जो आपकी लीन मसल्स हैं हेल्पफुल होता है लीन मसल्स गेनिंग के लिए। तो मतलब शुरू से अगर आपने मेरी फोटोज देखी हैं इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे स्टॉक किया है, तो मेरे पहले वाले फोटो आकर देखोगे ना, तो मेरे को लीन बॉडी बहुत पसंद है। दिस वे प्रोटीन कम्स विद एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी जो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में बहुत मदद करता है। फुल टू पैकेज है न्यूट्रिशन का, मतलब मैं इतना ट्रैवल करता हूँ एंड आई वांट टू बी फिट, दिस इज समथिंग जिसकी वजह से मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाता हूँ। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप ट्रैवल करते हो और ट्रैवल के वक्त अपनी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो, दिस इज समथिंग फॉर यू। अभी परचेज करो बिग मसल न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो यूज माई कोड BMHARRY फॉर 5% ऑफ ऑन द परचेज ऑफ अबव 1600। सामान वामान मैंने पूरा पैक कर लिया है, बस अब निकल रहे हैं हम शारजहा। टाइम अभी हो रहा है अराउंड 10:30, 2:30 बजे की फ़्लाइट है, तो निकलना टाइम से ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या रूल्स होंगे नए नए एयरपोर्ट में, और शारजहाँ से पहली बार मैं इमिग्रेट करूँगा। तो मैंने एक सैलेड ले लिया है गाइस, यही खा लूँगा एज अ ब्रेकफास्ट। और इतना सारा सामान कैरी करना साथ में अकेले और व्लॉग करना गाइस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। तो मैं रुका था एस होटल में, ये है अल बरशा में, रूम्स वर वेरी स्पेशियस। खैर प्राइस अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2 दिन के लिए इसको बुक किया 9,500 रुपये में, तो दुबई के हिसाब से ठीक है फिलहाल दुबई के हिसाब से, क्योंकि अभी कोई एग्जीबिशन चल रही थी एंड होटल्स बहुत एक्सपेंसिव थे।
हालांकि 9500 में आपको देरा में एक होटल है पार्क सेंट्स, पार्क रीन्स करके, वो भी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए होटल काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छा है। तो हमको जाना है लगभग अराउंड 52 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 34 मिनट्स, तो समझो मतलब कि भाई साहब कैसे तेज जाने वाले हैं। ये एयरपोर्ट है शारजहाँ का, मतलब काफ़ी छोटा है कंपेयर टू दुबई इंटरनेशनल, तो ये 1/6 भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी कतर एयरवेज है ना, तो वो नहीं थी दुबई इंटरनेशनल से, तो मैंने यहाँ से बुक किया दोहा के लिए। तो चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ से है डिपार्चर्स, और इनका सिक्योरिटी जो है ना एयरपोर्ट के अंदर है, मतलब जो चेक करते हैं ना एयरपोर्ट के, वहाँ पे नहीं है जैसे हमारे इंडिया में वहाँ होता है, तो वहाँ पे, लेकिन अभी इधर है। टिकट चेक नहीं की, बस पूछा कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ एंड अलाउ कर दिया। अब जा रहे हैं अंदर। शारजहाँ एयरपोर्ट जो है कंपेयर टू दुबई इंटरनेशनल, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। 172 दिरहम्स लगे मेरी टैक्सी में, 172 दिरहम्स इनटू 23 कर देना, बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा। बट अब क्या करें, पहली बार था है ना, फालतू मैं रिस्क लेता मेट्रो से, या फिर मैं रिस्क लेता कोई ट्रेन से आने में या फिर बस में, तो हो सकता है कि इधर का उधर कहीं का कहीं निकल जाता। रिस्क मैंने नहीं लिया, सीधा एयरपोर्ट आ गया। अब अगली बार जैसे जैसे एक्सपीरियंस वैसे वैसे मैं पैसे बचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आप पहली बार अगर आ रहे हो तो टैक्सी से ही आना, करीम से मैंने बुक की थी। तो ये रहा कतर एयरवेज़ का काउंटर शारजहाँ एयरपोर्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इकोनॉमी क्लास लिखा है और लाइन अच्छी खासी लंबी लगी हुई, और ये फर्स्ट क्लास काउंटर्स हैं कतर एयरवेज़ के, फर्स्ट क्लास का, एंड वी आर ट्रैवलिंग इकोनॉमी। लेट मी टेल यू, कतर एयरवेज़ इज़ नोन टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन। एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ दोनों मतलब एक बराबर का है मैं बोलूँगा, ठीक है। अभी लाइन लगी है, ये क्लियर करते हैं, देन अंदर जाते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। कतर में चलता है कतरी रियाद, ठीक है ना। करेंसी मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा 5 घंटे का ले ओवर है। कतर इज़ नोन टू बी द वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। अभी वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था, मेरा पहले ही आने का मन था कतर। कतर के लिए इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल है, आई थिंक सो वीज़ा ऑन अराइवल है। इस वाले व्लॉग में पहली बार, मतलब पूरे हैरीज व्लॉग्स की हिस्ट्री में बोल सकते हो कि मिडिल ईस्ट में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, ये कंटेंट बहुत डिफरेंट है। तो अगर यहाँ तक भी देखा है तो लाइक तो प्लीज़ कर ही देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं कभी यूरोप में, कभी ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में भी ऐसे ही मैं ट्रैवल कर सकूँ। हेलो मैम, शो यू द टिकट, राइट? पासपोर्ट। दिस इज़ माई पासपोर्ट। नो, आई एम गोइंग टू इंडिया, बैंगलोर। सो शारजहाँ दोहा, दोहा बैंगलोर, कतर एयरवेज़। तो ये रहे सारे काउंटर्स, 3-4 काउंटर्स ही हैं और एक है फर्स्ट क्लास का काउंटर, लेकिन हाँ इनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट है, तो जल्दी जल्दी लाइन पूरी हो गई। दैट्स माई पासपोर्ट। तो इट्स अ लेओवर फ्लाइट, एक्चुअली इट्स अ लेओवर फ्लाइट। इज अ बोर्डिंग पास इज हियर, और अब सामान जो है हमको सीधा मिलेगा बैंगलोर में। कुछ सवाल जवाब नहीं किए उन्होंने, आगे है इमिग्रेशन काउंटर, तो देखते हैं इमिग्रेशन में कुछ पूछते हैं, नहीं पूछते, सिक्योरिटी कैसी होती है, तो विल सी दैट। तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स डिपार्चर, तो ये पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मैं अपने पास ही रखूंगा, अब निकलते हैं। ये है इमिग्रेशन। अच्छा भाई, खुद ही स्कैन करना है पासपोर्ट, यानी गेट्स खुल जाएंगे, अलग ही सिस्टम है गाइस, मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, ये तो खुद ही स्कैन करना है भाई। मैंने खुद ही स्कैन किया अपना पासपोर्ट, फिर अंदर आया, उन्होंने मेरा आई स्कैन किया एंड मैं खुद ही बाहर आ गया। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ इतना सा होगा इमिग्रेशन, और भी होना चाहिए, बट दिस इज़ लाइक द स्मूदेस्ट इमिग्रेशन आई हैव एवर बीन टू, अमेजिंग सीरियसली। मतलब खुद ही स्कैन किया, खुद ही आई स्कैन हुई और सीधा अंदर। अब पता नहीं आगे क्या है, हो गया क्या? आई थिंक सिक्योरिटी इज़ डन। ओ भाई साहब, सीरियसली सिक्योरिटी तो हुई नहीं भाई, इमिग्रेशन भी नहीं हुआ। तो गाइज आई थिंक इमिग्रेशन इज़ डन, मतलब सिर्फ उतना ही था इमिग्रेशन और सिक्योरिटी भी नहीं हुई, एंड नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ द गेट्स। तो भाई इससे स्मूथ प्रोसीजर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। हर एयरपोर्ट का अलग अलग होता है, अपने इंडिया में तो अलग वाली सिक्योरिटी होती है, सीरियसली 3-4 स्लैब्स हैं। थाईलैंड का भी था, ठीक ठीक था, मतलब थी सिक्योरिटी, चेक किया उन्होंने, लैपटॉप वैपटॉप निकलवाया, कुछ दिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। ये है ना कॉफ़ी, ये देखो प्रीमियम कॉफ़ी। हाँ ये सब नहीं, नहीं नहीं ये चाहिए भाई। मनी एक्सचेंज काउंटर्स भी हैं इधर, यहाँ से चाहो तो आप मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। दीजादी फूड काउंटर्स अपने मुंबई का भी है यहाँ पे कोई आउटलेट, तो हाँ यहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। तो हमारा है गेट नंबर 5, मैं चला गया वॉशरूम, तो मेरे को लगा कि भाई सिक्योरिटी तो है नहीं, अब ख़त्म है, मतलब आई वॉज शॉक कि भाई इतना ईजी इमिग्रेशन, मतलब सीधा एयरपोर्ट के अंदर। टिकट सिर्फ हमारे एक बार चेक हुई है, जो जहाँ पे हमको बोर्डिंग पास मिला सिर्फ वहीं पे टिकट चेक की, उसके अलावा कहीं नहीं की। फिर मैं गया बाथरूम, बाहर आया, मेरे को लगा यार सिक्योरिटी हो रही है कहीं, दूर देखा मैंने सिक्योरिटी हो रही है, मैंने कहा सिक्योरिटी है क्या अभी बची हुई है? अगर आप शारजहाँ से बोर्ड करोगे ना, तो
फ्लाइट बोर्ड करने की जस्ट पहले सिक्योरिटी है, मतलब जैसे हमारे इंडिया में अलग सिस्टम है ना, सिक्योरिटी करने के बाद जाओ बैठो आराम से खा पी सकते हो, नहीं यहाँ पे खा पी सकते हो, लेकिन बोर्ड करने से पहले मेन सिक्योरिटी है, मतलब लैपटॉप निकालना, वही सेम तामझाम। ऑल्सो मैंने एक चीज़ देखी, मतलब सेम ही टर्मिनल में सेम ही जगह से अराइवल डिपार्चर दोनों एक ही जगह से है, ये काफ़ी डिफरेंट है। मैंने ये डोसा लिया है 15 दिरहम का और ये कोक है 6 दिरहम की, तो लगभग मान के चलो 21 दिरहम्स का टोटल है, तो 20 अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई तो 483 की मील है ये टोटल, जो कि अगर आप इंडिया के कोई एयरपोर्ट में लेते तो इतनी पड़ती। बाय द वे जो डाइट कोक है ये है 138 रुपये की, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में बहुत महंगी है, 60 रुपये में मिल जाती है आपको इंडिया में, लेकिन हाँ एयरपोर्ट में शायद आपको इंडिया में भी बहुत महंगी मिलती। और भाई ये कुर्सियाँ देखो फिक्स्ड है बिल्कुल। और मैंने देखा यहाँ पे ना बहुत सारे ऐप नहीं चलते, यहाँ पे व्हाट्सअप नहीं चल रहा वाईफाई से, यहाँ पे व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं होती, लेकिन वाईफाई से इंस्टाग्राम चल रहा है बहुत तेज़, ठीक है, लेकिन व्हाट्सअप नहीं चल रहा। और ये दुबई में भी था, तो हाँ ये मुझे चीज़ आपको बहुत पहले ही बतानी थी मेरे पहले वाले व्लॉग्स में, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और बैठने की जगह यहाँ पे इधर है एंड आई डोंट नो अबाउट द लाउंज। और एक चीज़ बहुत कॉमन है, जब भी एक इंडियन दूसरे इंडियन को देखता है ना दूसरे देश में, अपने आप स्माइल निकल जाती है, या तो वो आपको देखने लगेंगे या तो आप उनको देखने लगोगे, फिर एट द एंड स्माइल करोगे, फिर पूछोगे कि भाई किधर से हो, वो बताएंगे और फिर आप बताओगे, ये चलता है, तो हाँ ये बहुत मस्त लगता है। यहाँ से ना अमृतसर की डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिगो की, और वो रही पाकिस्तान की कोई फ्लाइट है इस्लामाबाद को 1B, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, काठमांडू दोहा कोची, मतलब मैक्सिमम आपको इंडियन सिटीज़ मिलेंगी इधर से, मुंबई की तो भरी पड़ी हैं, मस्कट मॉस्को बहुत सारी फ्लाइट्स हैं गाइस। और हाँ पाकिस्तानी एयरलाइंस भी बहुत है, दो हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस, बाकी इंडिया की जो है इंडिगो भी दिख रही है मुझे अमृतसर वाली। तो ये JBL के ईयरफोन्स भी हैं 319 दिरहम्स के। मेरा एक सजेशन रहेगा आपसे, अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स ले रहे हो दुबई से तो वर्थ है, ठीक है, प्राइस आपको अच्छा मिलेगा एप्पल प्रोडक्ट्स का, चाहे वो एयरपॉड्स हैं एप्पल वॉच है या फिर आईफोन है, लेकिन आप कोई अगर और कंपनी ले रहे हो सैमसंग JBL या फिर कोई और कंपनी, तो वो लेने का मतलब नहीं है, फिर आपको वो इंडिया में ही मतलब सही मिलेगा। तो अच्छा हुआ मुझे लास्ट में याद आ गया कि मुझे वैट रिफंड लेना था, तो 24 दिरहम का जो है वैट रिफंड मुझे मिल जाएगा, उन्होंने मेरे से कार्ड डिटेल्स ली, मेरे डेबिट कार्ड की कार्ड डिटेल्स ली, मेरे कार्ड पे आएगा। एक गलती मैंने की कि मुझे चेक इन करने से पहले ही वैट काउंटर पे जाना चाहिए था और उनको सारे प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए थे, एंड जो भी आप शॉपिंग करोगे दुबई या फिर UAE में उनको दुकान में बोल देना कि मुझे वैट रिफंड चाहिए, वो आपका पासपोर्ट लेंगे एंड दे विल पुट सम स्टिकर ऑन योर बिल, वो बिल विद द स्टिकर आपको दिखाना पड़ेगा ये वैट काउंटर में, वहां से दे विल गिव यू द रिफंड। एक गलती मैंने की कि मुझे चेक इन के पहले करवाना था, यहाँ पे किस्मत से हो गया मेरा, बिकॉज ये रैंडम इन्होंने एक ऑफिस खोला हुआ है, नॉर्मली एयरपोर्ट्स में नहीं होगा, मुझे रिफंड नहीं मिलता। द बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, तो अब मैं आपको सिक्योरिटी के बाद ही मिलता हूँ सीधा। ओके फाइनली सिक्योरिटी हो गई, बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट सामान डाला वहाँ से निकला सामान एंड मतलब बॉडी चेक कुछ नहीं था, मतलब सीधा अंदर, एंड अभी मैं आ गया हूँ गेट नंबर 5 में एंड आई थिंक यहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। फाइनली आई एम बोर्डिंग कतर एयरवेज, दिस इज A320 बाय द वे, इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा दैट वुड बी बोइंग 777, अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। देखो यहाँ से ये है शारजाह एयरपोर्ट, मैक्सिमम आपको येलो सैंड दिखेगी, सैंड ड्यून्स दिखेंगी दूर तक, आई थिंक एरो ब्रिज ही मिलेगा कतर को, तो बस वहीं से बोर्ड करेंगे। फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट, एरो ब्रिज काफ़ी बढ़िया है, एयरपोर्ट जैसा है उस हिसाब से एरो ब्रिज ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, एंड दिस इज आर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के ऊपर लिखा हुआ है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। वर्ल्ड कप के बाद ना कतर जो है भाई वर्ल्ड फेमस हो गया है। बैठियो मैं अपनी सीट पे 27F, ये है A320 गाइस, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं, आई थिंक इन लोगों के लिए फर्स्ट क्लास मतलब हो गया बिजनेस क्लास, मतलब हाँ दे मेंट बिजनेस क्लास, तो मेरे को लगा फर्स्ट क्लास जो एमिरेट्स वाला है, नहीं जो ये वाला व्लॉग है ये कतर एयरवेज के A320 का है, इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा वो कतर एयरवेज का बोइंग 777 का होगा। लेग स्पेस बहुत जबरदस्त है, मतलब जो A320 में हमारे A320 में मिलती है उसके कंपेरिजन में बहुत जबरदस्त है इसकी लेग स्पेस, एंड यहाँ पे इन्होंने एक ये दिया हुआ है मैगजीन होल्डर वगैरह, यहाँ पे इन्होंने ट्रे टेबल वगैरह दिया हुआ है, ट्रे टेबल जो है एडजस्टेबल नहीं है पर काफी बढ़िया कंडीशन में है, एयरक्राफ्ट की कंडीशन काफी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं A320 के, अगर कोई IFS होगा तो इनका IFS स्क्रीन वगैरह नहीं दी है, A320 में स्क्रीन नहीं है, 777 में सब कुछ होगा, तो यहाँ पे अगर आपको कनेक्ट करना है इनके IFS से तो वाईफाई के थ्रू करना पड़ेगा, वायरलेस इंटरटेनमेंट ऑन बोर्ड।
आई थिंक इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई के थ्रू, एंड ये चीज़ आएगी, ये जो लिखी है ना, थर्ड सेकंड पॉइंट पढ़ो आप, सेकंड पॉइंट। तो हाँ, वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन बाकी आप सॉन्ग मूवी वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। इन्होंने ये वॉमिट बैग वगैरह दिया हुआ है। मुझे ना बार बार देखना पड़ता है कि मैं कुछ भूला तो नहीं, तो गलती से मैं ना 26F में बैठ गया था, 28F में बैठ गया था, तो मैंने शिफ्ट किया फिर अब 27F में। तो उठते वक्त सब कुछ देखा कि भाई कुछ भूला तो नहीं, बैग, कैमरा, पासपोर्ट, USBs, पासपोर्ट बैग, ठीक है, इतना कुछ रहता है भाई दिमाग में। मतलब बहुत ऐसा होता है कई बार ना कि कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, भाई कुछ भी अगर भूल गए तो समझो कि वो वापस नहीं आएगा 100%। और ये मेरा पासपोर्ट बैग तो मैं हमेशा ही टांगा रहता हूँ। ये है USB पोर्ट्स, चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ कह सकते हो कि जो कतर एयरवेज़ का है A320, हमारे फ़िलहाल तो मतलब जो प्लेन में कुछ फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है इंडिगो जैसा, बट सर्विसेज टॉप क्लास की होंगी 100%, अभी तक तो टॉप क्लास की हैं। तो ये फ़्लाइट होगी लगभग अराउंड 1 घंटे की, एंड दोहा जो है इज़ द कैपिटल ऑफ कतर। कतर ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों ने सुना आफ्टर वर्ल्ड कप, तो कतर का एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है, और अभी वर्ल्ड कप के पहले और रेनोवेट कर दिया उस एयरपोर्ट को, तो हाँ इट इज़ घूमने की जगह है एयरपोर्ट, आप बोल सकते हो। Serving on the flight deck is first of all Vinith, and looking after your safety and comfort. Guys, अभी बाहर जो है ना तरीके वाली गर्मी है, मतलब 30-35 डिग्री हो रहा है, और वो देखो हमारे इंडिगो का फ्लाइट। वी आर फाइनली टैक्सिंग टुवर्ड्स द रनवे। 2:20 का डिपार्चर था, अब पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, और मेरे सामने है एयर इंडिया एक्सप्रेस। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है ना, वो ज़्यादा ऑपरेट करता है शारजहाँ से, एंड एयर इंडिया जो है वो ऑपरेट करता है ज़्यादा दुबई से। जो शारजहाँ का एयरपोर्ट है ना, बहुत ही एवरेज है, बहुत ज़्यादा एवरेज है। नज़ारे एक नंबर थे टेक ऑफ के बाद। तो अब देखते हैं खाने पीने को क्या आता है। भाई मुझे लग भी रही भूख, तो पता नहीं, मैं तो वेगन मील खाऊंगा जो भी है। वी टुक ऑफ, और टेक ऑफ के बाद ना जितने भी बच्चे बैठे हुए थे ना मेरे आगे वाले सीट में, तो बच्चों को इन्होंने टॉयज़ दिए सबको, इतने इतने से पापा गर्ल्स शिंगशान वगैरह सब दिए बच्चों को, ताकि वो खेलते रहें एंड वो हल्ला ना करें। हमें ये मिला है अभी खाने पीने को, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज़ पीता ब्रेड। ये ऑथेंटिक पीता ब्रेड है। अगर आप मिडल ईस्ट आ रहे हो एंड यहाँ का पीता ब्रेड और हमस नहीं खाई, तो फिर क्या खाया। साथ में मिला है हमको जूस, ठीक है, दिस इज़ ऑरेंज जूस, कोई लोकल कंपनी है, बलदना करके ऑरेंज जूस मिला है, इसमें एडेड शुगर नहीं है। ये हमको इन्होंने दिया है हमस, पीता ब्रेड और कुछ वेजीज वगैरह दिए हैं, एंड इट लुक्स डिलीशियस भाई। तो एक एक करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। आई थिंक ये है हमस फॉर श्योर, ये पता नहीं कोई अरेबिक सॉस होगी, कोई अरेबिक चटनी होगी, एंड ये है वेजी। तो ट्राई करते हैं पहले हमस पीता ब्रेड के साथ, ट्राई करते हैं। ये जो ब्रेड है ये गर्म थी जब आई थी, तो हाँ ये ब्रेड उन्होंने गर्म दी है, एंड बाकी ये तीनों चीज़ें ठंडी हैं, उसके साथ ट्राई करते हैं। इसको बोलते हैं ऑथेंटिक पीता ब्रेड एंड हमस, एक्सेलेंट, 10/10। एक बार पीता ब्रेड को ना मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ, देखते हैं ये चटनी कैसी है। ये थोड़ी सी खट्टी है, थोड़ी सी बिटर है, बट हाँ टेस्ट एक नंबर है। ट्राई करता हूँ इस चटनी के साथ, लेट्स सी ये कैसी है। ये चटनी आई डोंट नो गाइस, पार्डन मी फॉर दिस, अगर मैं थोड़ी देसी भाषा यूज़ करता हूँ तो माफ़ करना, मुझे उसी की आदत है। ये भी थोड़ी बिटर है, ये हमस भी थोड़ा बिटर है, तो दोनों का टेस्ट एक जैसा है, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं लगा मुझे दोनों के टेस्ट में। ये सैलेड ट्राई करते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्दी लग रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आप सैलेड नहीं भी खाते हो ना, ये खा सकते हो। दिस इज़ ओवरऑल मील, काफ़ी बढ़िया है, स्वीट वगैरह कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द स्नैक, बिकॉज एक घंटे की फ्लाइट है, उसमें भी इतना कुछ दे रहे हैं। ये जूस भी एक बार टेस्ट करूंगा। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड आवर डिसेंट, और जो कतर का टाइम है वो UAE से 1 घंटा पीछे है, मतलब जो इंडिया से टाइम था UAE का वो 1.5 घंटा पीछे था, अब हम इंडिया से 2.5 घंटा पीछे हो गए। मतलब हम 2:20 को निकले थे शारजहाँ से, और 2:20 को ही हम लैंड कर रहे हैं कतर में, एंड डिसेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है।
कतर हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाँ, यहीं से हमारी फ्लाइट है और बैंगलोर की, तो देख रहे हो बड़ी वाली 777, हाँ वो वाली फ्लाइट है बैंगलोर की। एनी वे वी हैव रीच्ड कतर इन लाइक 1 आवर। थैंक यू, बाय बाय। एंड यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है और ठंडी भी है। हम 1 घंटा पास में आ गए हैं लाइफ में, ठीक है, और बस काफ़ी भरी हुई है। सो फार सो अमेजिंग, और हर जगह मैं देख पा रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप के बैनर्स। तो मैं आ गया हूँ कतर, एंड इस वाले व्लॉग को यहीं पे रखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ ट्रांसफ़र के लिए, सामान नहीं लूँगा, मेरे को सामान मिलेगा सीधा बैंगलोर में। एंड इसकी अगली वाली जर्नी इट विल बी बोइंग 777 ऑफ कतर एयरवे, सुपर डुपर लग्जरी। एक काम करते हैं ना, पूरे फ्लाइट का क्या प्राइस था, मैंने कितने बुक की, इसके अगले वाले व्लॉग में बताऊँगा मैं एंड में, बिकॉज अभी ये व्लॉग तो चल ही रहा है कंटिन्यू। भाई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कतर एयरपोर्ट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एयरपोर्ट है, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ लाइक, एम करते हैं 10-15 हज़ार लाइक हो जाए तो बस उम्मीद कम है, ठीक है ना। एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय।